हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र सर। आज हम क्लास सिक्स के भैया बहनों को हिंदी ग्रामर के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दूसरा चैप्टर, इसका नाम है वर्ण विचार, इसे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। जैसे माता में मा प्लस प्लस आ प्लस त प्लस आ, ये चार ध्वनियाँ से मिलके माता शब्द बना। दूसरा हमारा शब्द है किताब, क ई त आ ब आ, ये छह ध्वनियों के मेल से किताब शब्द बना। इस प्रकार से इन ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ओके, वर्ण भाषा की सबसे छोटी, या कह सकते हैं कि प्रथम इकाई है, भाषा की प्रथम इकाई है वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। इसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो किसी कोई भी वर्ण हो, उनका किसी भी भाषा के वर्ण हो, उनका व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे प्रत्येक भाषा में, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी अंग्रेजी या संस्कृत, बंगाली, उर्दू, कोई भी भाषा हो, सभी की अपनी ध्वनि होती है। ओके, ध्वनि क्या है? ध्वनि है, जब भी हम कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलें तो हमारे मुख से कुछ ध्वनि निकलती है। ठीक है, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, और उन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। ठीक है, ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। इसे इसमें प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि होती है, और प्रत्येक ध्वनि के निश्चित वर्ण भी होते हैं। जब प्रत्येक भाषा की एक निश्चित ध्वनि होती है और उनके प्रत्येक निश्चित वर्ण होते हैं, तो इन वर्णों को लिखने के लिए एक विशेष क्रम, इन वर्णों को लिखने के लिए एक विशेष क्रम और व्यवस्था होती है। वर्णों के इसी विशेष क्रम व व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। ओके, जैसे इंग्लिश के हैं अल्फ़ाबेट्स, हैं ए बी सी डी ई एफ से लेकर जेड तक, तो उनका एक व्यवस्थित समूह, विशेष क्रम है, वह भी वर्णमाला है। इंग्लिश में उन्हें अल्फ़ाबेट बोलते हैं और हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी में वर्णमाला 52 होती है, 52 वर्णमाला होते हैं। इंग्लिश में 26 होती है, 26। अब देखते हैं वर्णों के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? जैसे पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, और तीसरा है अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो पहले सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या है? जिन्हें अंग्रेजी में वावेल्स बोलते हैं, जो वर्ण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में मुख से हवा बिना रुकावट के निकलती है। हिंदी में 11 स्वर हैं। जब भी वर्ण का हम उच्चारण, जब भी स्वरों को उच्चारण करते हैं, तो हवा मुँह के अंदर से जो हवा का प्रवाह होता है, वह बिना किसी रुकावट के होता है। ठीक है, और स्वर जो वो होते हैं जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के ही बोले जाते हैं, मतलब उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। यह 11 होते हैं, अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये 11 हिंदी में स्वर हैं। जैसे अंग्रेजी में वॉवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, वो अंग्रेजी भाषा में। हिंदी भाषा में स्वर 5 होते हैं, ये 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं।
अब स्वरों के भी तीन भेद होते हैं, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर, इसमें ह्रस्व का अर्थ ही होता है शॉर्ट। शॉर्ट माने छोटा या कम। ह्रस्व अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्ट। ह्रस्व का अर्थ है कम। जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार हैं, अ, ई, उ और री। ये चार ह्रस्व स्वर हैं, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ अधिक या बड़ा। दीर्घ शब्द से ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है, अधिक या बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। जितना समय ह्रस्व स्वर को उच्चारण लगता है उससे दो गुना समय दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगता है, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये सात होते हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सात दीर्घ स्वर हैं जिन्हें लॉन्ग वॉवेल्स बोलते हैं। दीर्घ, लॉन्ग, दीर्घ जिसे अंग्रेजी में लॉन्ग बोलते हैं, लॉन्ग वॉवेल्स, दीर्घ स्वर। अब आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण की तुलना में तीन गुना समय लगता है। इसमें जैसे ओम, राम, इसमें जो यश का चिन्ह होता है ये बड़ा आ शो करता है, ओम, राम, तो ये प्लुत स्वर हैं। इनमें या इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तीन गुना समय लगता है, इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो फिर भैया बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम अयोगवाह, ये स्वर के तीनों प्रकार होंगे। अगली कक्षा में हम व्यंजन और अयोगवाह के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो फिर भैया बहनों, आज के लिए बस इतना ही। और आपसे ये निवेदन है कि आप ये रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर प्रयागराज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इन वीडियोस देखने में परेशानी ना हो। और आगे हम चैप्टर में अयोगवाह और व्यंजन के बारे में, जो स्वर के दो और प्रकार हैं, तो वर्ण के दो और प्रकार हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।